इधर पाओ चलो पापा पीछे आ जाओ सारे पापा पीछे क्या कडो कडो पाडला चल हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक था, यहाँ पे आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। ये ओल्ड आगरा चक रोड है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 35 लाख से ऊपर इसमें लागत आएगी। और ये बॉर्डर रोड है, ये रोड बनने से यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये रोड, इसकी बड़ी खस्ता हालत थी, आए दिन इस पर दिक्कत आती थी लोगों को आने जाने में, और ख़ासकर किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि जब भी फसल का काम होता था, ट्रैक्टर वगैरह ले जाना या गाड़ियां वगैरह ले जाना, उसमें बहुत दिक्कत थी। तो ये रोड बनने से काफ़ी सुविधा मिलेगी यहाँ, और जितने भी ये रोड कनेक्टिविटी के आप देख रहे हैं काम जो है वो ख़ासकर बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, ताकि देहातों में, गाँव में रहने वाले लोगों को भी बिजली के काम, रोड कनेक्टिविटी और पीने के पानी की जो समस्याएं वो हल हों और उनको पूरी सुख सुविधा मिले। तो उसी के तहत आज ये जो काम है ये करवाए जा रहे हैं। और ये बड़ा ये रोड, इसकी खस्ता हालत थी, ख़ासकर बरसात के दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए सोन जी, ये बड़ा एक बॉर्डर रोड आगरे चक से पंचायत में पड़ता है, तो इसकी बड़ी खस्ता हालत आपने रास्ते में आते देखा कि लोगों को आने जाने में आर्मी के गाड़ियां भी जहां से गुजरती हैं, बीएसएफ वाले भी यहीं से गुजरते हैं, तो हमारी बेल्ट फोर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे भी बहुत सारे रोड हैं जिनके बॉर्डर तक बिल्कुल अभी तक कनेक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। ये 11 बॉर्डर के रोड हैं जो प्लान में मैंने दिए भी हुए हैं मिल करके हमने, लेकिन अभी तक उनका सैंक्शन नहीं हुई है। मुझे लगता है कि विद इन डेज, कुछ ही समय के अंदर ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और बॉर्डर तक, जीरो लाइन तक ये रोड जो है सारे के सारे कंप्लीट होंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मिल करके, और जो भी काम रहते हैं वो सब जल्द से जल्द पूरे हों, इसी में हम सब लगे हुए हैं। तो मैं ये रोड जो है, मेरे साथ आज DDC मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत जी, जहाँ के सरपंच सपना जी, कोली गलाबाना के सरपंच सूरज जी, और मेरे जितने मोहन जी और जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं और ये आश्वासन भी देता हूं कि हम प्रयास करते रहेंगे, जितने भी काम हैं जल्द से जल्द पूरे किए जाए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ।